हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं गुजरात के बालासिनोर के नजदीक स्थित डायनासोर फॉसिल पार्क में, जहां पर हम खोज करेंगे कुछ ऐसे डायनासोर फॉसिल्स की जो कि आज से 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। और साथ ही हम चलेंगे यहां के डायनासोर म्यूजियम में और जानेंगे कि ये डायनासोर यहां पर कैसे रहा करते थे और एक्सपीरियंस करेंगे दोस्तों यहां के 3D, 5D और VR का, जिसे हमें भी इन जीवों के साथ में रहने का अनुभव प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ इंटरेक्ट करेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग गैजेट्स का जिससे हमें इस पीरियड की और भी बेहतरीन जानकारी मिले। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम सब फैमिली मिलके एक नए एडवेंचर पे जा रहे हैं। और ये जो नया एडवेंचर है, ये एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा। सबसे पहले तो आज के वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ पे गुजरात में बालासिनोर करके एक जगह है, जहाँ पे फॉसिल एंड डायनासोर पार्क है। तो अभी हम सबसे पहले तो वहाँ पे जा रहे हैं और जो उसी का कंटिन्यू हम लोग करने वाले जो नया एडवेंचर हुए कैंपिंग का। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग कैंपिंग भी शुरू करने वाले हैं, तो आज उसका हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो पहले हम लोग डायनासोर पार्क जाएंगे, तो हो सकता है शायद ये वीडियो में आपको दो पार्ट में दिखाऊं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो एक पार्ट में मैं आपको फॉसिल पार्क घुमाऊंगा और दूसरे पार्ट में हम लोग यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करेंगे। और ये जो डायनासोर एंड फॉसिल पार्क है, इसका लोकेशन जो है ये मैं आपको गूगल मैप पे शेयर कर दूंगा, तो आपको इसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं यहाँ से डायनासोर एंड फॉसिल पार्क। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गुजरात के बालासिनोर में स्थित है। तो यदि आप यहाँ पे पहुँचना चाहो तो अहमदाबाद से इसकी दूरी करीबन 104 किलोमीटर है, जो आप करीबन 2.25 घंटे में यहाँ पर पहुँच सकते हो। और साथ ही साथ इसका जो मैप का लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे QR कोड में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। और दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आए या टैक्सी करके आए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप चाहो तो अहमदाबाद से बालासिनोर तक आ सकते हो, लेकिन बालासिनोर से ये लोकेशन करीबन 15 किलोमीटर दूर है, तो आपको वापस वहाँ के लिए कोई ऑटो करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस जगह की खोज यहाँ पर कैसे और कब हुई और इस पार्क को यहाँ पर किसने बनाया। तो दोस्तों, बालासिनोर से पहले एक जगह है सेवलिया करके, और ये बात है 1980 की। सेवलिया में एक सीमेंट फैक्ट्री है जो जनरली अपने रॉ मटेरियल के लिए आसपास की जगहों पे खुदाई करती रहती है। उन्हें पता चला कि बालासिनोर के पास रायोली में लाइमस्टोन का बहुत बड़ा भंडार है, तो जब उन्होंने वहाँ पे खुदाई की तो उन्हें वहाँ से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट एवं अन्य डिपार्टमेंट को जब इसके बारे में बताया तो उन्हें पता चला कि ये तो उन डायनासोर्स के फॉसिल और अंडे हैं जो हो सकता है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इस जगह पर रहा करते होंगे। और उसके बाद यहाँ पर और खुदाई की और कई प्रकार के अवशेष और भी प्राप्त हुए। तो उसके पहले कि हम ये जानें कि यहाँ पर इस पार्क को किसने बनाया, मैं आपको बता दूँ कि ये जो बालासिनोर है, ये एक समय में भारत का प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और इसकी स्थापना सन 1758 में सरदार मोहम्मद खान बाबी द्वारा की गई थी। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के बाद ये जो स्टेट था, ये भारत के राज्यों के साथ में इसका विलय हो गया। लेकिन आज भी यहाँ पर इनका पुश्तैनी मकान है जिसे गार्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर इनकी रॉयल फैमिली भी रहती है, जिनमें से एक है प्रिंसेस आलिया सुल्ताना बाबी। जी हाँ दोस्तों, मैं इनका जिक्र यहाँ पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पार्क को यहाँ पर बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इस एरिया में काफ़ी रिसर्च भी की है और ये खुद को सेल्फ टॉट पैलेंटोलॉजिस्ट भी कहती है। ये यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर गाइडेड टूर्स भी कंडक्ट करती है और प्यार से लोग इन्हें डायनासोर प्रिंसेस भी बुलाते हैं। और इस पार्क को बनाने के लिए गुजरात सरकार के साथ में मिलकर इन्होंने अपना काफ़ी योगदान भी दिया है, और इसी वजह से इस पार्क की इन्हें गार्डियन एवं कस्टोडियन का दर्जा भी मिला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और चलिए दोस्तों, वीडियो अभी आगे बढ़ाते हैं। और ऑलमोस्ट हमने अभी बालासिनोर में एंट्री कर ली थी, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये डायनासोर फॉसिल पार्क अभी 15 किलोमीटर दूर बता रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी हम ऑलमोस्ट बालासिनोर में एंट्री करने वाले हैं।
लेकिन ये जो फसिल पार्क है ये बालासिनोर से 15 किलोमीटर आगे रायोली करके एक जगह है वहाँ पर स्थित है। तो इसीलिए आपको रास्ते में इस तरह के जो साइन बोर्ड है उसका ध्यान रखना है ताकि आप कहीं गलत रास्ते पर ना निकल जाओ। और बस अभी दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट अभी कुछ ही दूरी पर है यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के दिन हमने कैंपिंग का भी विचार किया हुआ है, तो रास्ते में हम लोग ये भी देख रहे थे कि कहीं पे अच्छा सा कैंपिंग का लोकेशन देखने मिल जाए ताकि रिटर्न में हम यहाँ पे रात को कैंपिंग कर सके। और तभी हमने हमारे राइट साइड में एक हेलीपैड भी देखा, तो ये भी अपने दिमाग में ये प्लेस नोटिस करके रख लिया था। बाकी बस अभी कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं रायोली में, जहाँ पर स्थित है ये यहाँ का डायनासोर फॉसिल पार्क। और लीजिए दोस्तों बातों बातों में भी हम पहुंच गए यहाँ के ये फॉसिल पार्क में। और ये जो है ये यहाँ का मेन एंट्री गेट है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से गाड़ियाँ अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो लोगों ने यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। लेकिन आप घबराइए मत दोस्तों, आपको यहाँ पे अलग से स्पेशली इनका पार्किंग लॉट भी है, तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ के पार्किंग लॉट में। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये बड़ा सा पार्किंग लॉट है जहाँ पर बसेस भी खड़ी है। गाड़ी पार्क करके जैसे ही हम बाहर की तरफ निकले तो हमने देखा तो यहाँ पर पार्किंग के बोर्ड के पास एक छोटा सा बच्चा खिचू बेच रहा था। खिचू जो है ये एक ट्रेडिशनल गुजराती डिश है जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है और ये गरम गरम सर्व की जाती है। और सर्विंग के समय इसमें मूंगफली का तेल एवं तीखा मसाला डाला जाता है जिससे ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। हम जब ये खा रहे थे तो हमने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर एक डायनासोर का स्टैचू था। पहले हमें लगा कि यहाँ पर गेट बंद है, लेकिन जब पास में जाके देखा तो पता चला कि गेट खुला था। तो हम भी अंदर गए और हमने वहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की, तो हमें काफ़ी मज़ा आया दोस्तों डायनासोर के साथ फ़ोटो खिंचवा के। और मुझे पक्का यकीन है दोस्तों आपको भी हमारे साथ में मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब सामने फॉसिल पार्क में। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़े से खाने पीने के स्टॉल भी बने हुए हैं। और आपको ये सामने की तरफ जो गेट है इससे होते हुए अंदर जाना होता है। यहाँ पर सामने की तरफ एक भाई साहब बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर इत्यादि जो डिटेल्स जो है वो आपको दर्ज करानी होती है। और जैसे हम वहाँ से आगे आए तो हमने देखा तो यहाँ पर और एक ये डायनासोर का विशाल स्टैचू था। और ये जो गेट के सामने बोर्ड था वहाँ पर भी हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की। और फोटोग्राफी करके दोस्तों भी समय था अंदर फॉसिल पार्क जाने का। तो फॉसिल पार्क जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब हरी भरी है, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ उगाए गए हैं। और मैंने देखा तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठकर खाना भी खा रहे थे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अभी इस फॉसिल पार्क की। तो आखिर में ये फॉसिल होते क्या है दोस्तों? फॉसिल मतलब ये एक प्रकार के जीवाश्म है जो कई वर्षों के बाद डायनासोर की हड्डियों से बन जाते हैं। और यहाँ पर जो फॉसिल प्राप्त हुए हैं ये करीबन 65 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हुए गए डायनासोर के हैं। और माना जाता है कि यहाँ पर कम से कम 13 प्रजातियों के डायनासोर रहते थे। और यहाँ पर उसके अलावा डायनासोर के अंडे की हैचरी भी मिली है जहाँ पर करीबन 10,000 से भी ज़्यादा अंडे मिले हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी हैचरियों में तीसरा नाम इस हैचरी का आता है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह से केजिस में ये पत्थर रखे हुए हैं। दरअसल कोई भी जो जीवाश्म है ये फॉसिलाइज होने के बाद में पत्थर के अंदर होते हैं, तो इन्हें हमें पहली बार में देखकर पता नहीं चलता है कि ये साधारण पत्थर है या कोई फॉसिल है। तो इसीलिए अगर उपयुक्त होगा कि अगर आप यहाँ पर किसी गाइड के साथ में आए जो आपको इस जगह की पूरी अच्छे से जानकारी दे सके। गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर आपको कई सारे गाइड्स के नंबर मिल जाएंगे जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अभी समय हो गया था दोपहर के खाने का, और हम भी यहाँ पर एक्चुअली खाना घर से ही लेकर आए थे क्योंकि गूगल मैप्स पे मैंने काफ़ी सारे रिव्यू पढ़े थे। उसमें कई लोगों ने लिखा था कि आप अपना खाना साथ में लेके आइए क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉपर होटल नहीं है। तो हम भी घर से थोड़ा सा आलू का सब्जी एवं ब्रेड और सब लेकर आए थे। और यहाँ पर आपको इस तरह से पीने के पानी की कोई असुविधा नहीं होगी, और यहाँ पर वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। तो चलिए अब समय हो गया था यहाँ से डायनासोर म्यूजियम जाने का। तो दोस्तों हमने फॉसिल पार्क तो देख लिया, अभी हम जा रहे हैं आगे म्यूजियम की ओर, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। गाड़ी हमने वहीं पे पार्क कर दी जहाँ पे थी, थोड़ा चल के जा रहे हैं। खाना खा लिया तो थोड़ा चल लेते हैं। तो अभी जाते हैं यहाँ पे देखते हैं म्यूज़ियम में, कुछ वीआर एक्सपीरियंस भी है, वीआर देखने मिलेगा तो वो भी देखेंगे, कुछ 5D शो भी है तो वो भी देखेंगे। जितना हो सके आपके साथ में शेयर करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। और ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है
ये यहाँ का म्यूजियम है। अभी देखते हैं यहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो चलिए म्यूजियम में मिलते हैं आपसे। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुँच गए यहाँ के म्यूजियम पे और यहाँ पर भी काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के। और यदि इसके समय की बात करूँ तो ये सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और ये सोमवार को बंद रहता है। तो आप उस तरह से अपना प्लानिंग कीजिएगा। और ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको देखकर हमें तो जुरासिक पार्क मूवी की याद आ गई दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि हम जुरासिक पार्क में एंट्री करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एंट्री करते ही अंदर भी पार्किंग की प्लेस है, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी पार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पे सामने की तरफ ये एक बड़ा सा डायनासोर है जो तुरंत आपका ध्यान आकर्षित करता है। और ये भारत के सबसे बड़े डायनासोर म्यूजियम में से एक है। और यहाँ पर ये जो डायनासोर रखा हुआ है इसका नाम राजासोरस है। इसे राजासोरस क्यों कहा जाता है ये हम आपको अंदर बताएंगे कि इसका नाम राजासोरस कैसे रखा। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये म्यूजियम का प्रवेश द्वार है। यहाँ से होते हुए आपको म्यूजियम में एंट्री करनी होती है। तो इसकी टिकट की बात करें तो इसकी बच्चों की 30 रुपया है, बड़ों की 70 रुपया है, फॉरेनर्स की 400 रुपया है। और यदि आपको यहाँ के जो शो है अगर वो देखने हैं VR का और 5D का तो उसके 50-50 रुपये आपको अलग से देने होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आ गए यहाँ पे म्यूजियम के अंदर। और म्यूजियम में अंदर आते ही आपको इस तरह से पूरा जंगल जैसा एटमॉस्फियर नज़र आता है। और वहाँ से कुछ आगे बढ़ते ही सामने की तरफ यहाँ पर आपको ये गैलरी नज़र आती है। ये इंट्रोडक्शन गैलरी है। यहाँ पर आपको ये म्यूजियम एवं डायनासोर से संबंधित यहाँ पर आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाती है जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की झड़पे अग्नि डाबी बाजू त्रिशूंगी ट्राइसेराटॉप्स नृत्य करे छे। अरे ये थोड़ो धरती पर आशु छे। पांचमा ऊंचो टाइटेनोसोरस तुम्हारी सामने जो ही रहे छे। चिंता करशो नहीं, कारण कोष प्राणी छे। यहाँ से जैसे ही हम बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे दो लेवल्स बने हुए हैं, एक बेसमेंट लेवल है और एक फर्स्ट लेवल है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर के लेवल में ही घूम लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी। और यहाँ पर जब हमने आगे बढ़ा तो देखा तो यहाँ पे ज़मीन पे स्टिकर लगे हुए जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ आपको देखनी है। और नीचे बेसमेंट लेवल पर आपको ये इस तरह से दो बड़े से डायनासोर का मॉडल दिख जाता है। और ये भी बिल्कुल जैसे जुरासिक पार्क में उन्होंने डायनासोर्स रखे थे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर नज़र आता है। तो एक बिल्कुल जुरासिक पार्क का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे ये पहली गैलरी है जिसका नाम है अर्थ्स इंसेप्शन। तो चलिए इस गैलरी में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाया गया है। अंदर प्रवेश करते ही हमने देखा ये बहुत ही बड़ी गैलरी थी और सामने की तरफ एक स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पर कुछ ऑडियो विजुअल्स देखने के लिए आपको बटन प्रेस करने होते थे, जहाँ पर अलग अलग पीरियड के बटन दिए हुए थे। तो ये गैलरी मुख्यतः जो डायनासोर्स जिस पीरियड में रहते थे उसके बारे में थी, जिसमें ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो यदि आपको डायनासोर्स में बहुत ही इंटरेस्ट है और यदि आप जानना चाहते हो कि वो किस तरह से रहा करते थे तो ये गैलरी बिल्कुल आपके लिए बनी है। तो आप यहाँ पर आराम से घूमकर इस जानकारी का लाभ ले सकते हो। और वहीं बाहर निकल के आ गए थे हम यहाँ की दूसरी गैलरी में जो कि है वर्ल्ड डायनासोर्स। यहाँ पर दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डायनासोर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में वो किस तरह से रहते थे वो स्मॉल स्केल मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह से छोटे छोटे स्केल मॉडल बनाए हुए हैं और उनका नेचुरल हैबिटेट वहाँ पे दिखाया गया है। और साथ ही साथ इनकी विस्तृत जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ख़ास तौर पर अंग्रेजी और गुजराती भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो आपको यहाँ पर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आप गाइड हायर कर रहे हो तो गाइड आपको अच्छे से हर चीज़ डिटेल में समझा देगा। तो आप उस तरह से अपने साथ में किसी गाइड को भी हायर कर सकते हो। तो हमने भी अपनी तरह से इस गैलरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की और वैसे गैलरी भी काफ़ी बड़ी थी तो यहाँ पर आपको चलने के लिए काफ़ी स्टेमिना लगेगा। तो वही हिसाब से अच्छा था, हमने खाना खा लिया था तो हमें यहाँ पर घूमने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी।
यहाँ पर हमने काफ़ी सारे डायनासोर्स देखे जिसके हमने नाम तक नहीं सुने थे, तो हमें यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। और बाहर जाते समय हमने देखा तो यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक ऑडियो विजुअल भी दिखाया जाता है जहाँ पर आपको इन सारे डायनासोर्स की विस्तृत जानकारी भी दी जाती है। और बाहर आते ही सामने की तरफ और एक गैलरी है जिसका नाम है डायनासोर्स ऑफ गुजरात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर रायोली में किस किस प्रजाति के डायनासोर्स की खोज हुई है और डायनासोर के अलावा यहाँ पर क्या क्या मिला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डायनासोर के अलावा इन्हें एक सांप की फॉसिल भी मिली थी। और यहाँ पर ये जो बड़ा सा डायनासोर है इसे टाइटनोसोरस कहा जाता है। और यहाँ पर सामने की तरफ इन्होंने इस तरह से मॉडल्स बनाए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक इंटरेक्टिव कुछ जॉयस्टिक भी थी लेकिन फ़िलहाल वो बंद थी, तो वो एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और यहाँ पर आगे इसके पंजे के मार्क और उनके अंडे भी दिखाए गए थे। और यहाँ पर बीच में राजासोरस का छोटा सा मॉडल बनाया हुआ था। तो यहाँ पर जो सबसे मेन डायनासोर जो प्राप्त हुआ है उसका नाम राजासोरस था। और ये इस तरह से फॉसिल के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर राजासोरस की पूरी जानकारी दी है और इसे राजासोरस की एक छोटी सी फिल्म भी बताई गई है कि किस तरह से यहाँ पर ये रहते थे। और इसका नाम राजासोरस भी इसके लिए है क्योंकि इसके सर पर एक छोटा सा सींग है जिसकी वजह से ये उसे ताज जैसा दिखता है, तो इसे राजा का नाम दिया गया। और इसका पूरा जो साइंटिफिक नेम है ये राजासोरस नर्मदेनेसिस है क्योंकि इसके ज़्यादातर फॉसिल नर्मदा के किनारे पर प्राप्त हुए थे। तो चलिए अभी आते यहाँ से अगली गैलरी में है जो कि है डायनासोर्स ऑफ इंडिया। ये भी इसी तरह की गैलरी है लेकिन यहाँ पर भारत में अब तक जितने भी डायनासोर्स की प्रजाति मिली है उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर बीच में इस तरह से एक सेंटर एरिया है जहाँ पर हर डायनासोर के मॉडल को बनाकर वहाँ पर दिखाया गया है। और साइड में वॉल पर उनकी पूरी हर एक की जानकारी दी गई है कि कौन से डायनासोर इंडिया में मिले हैं और कहाँ कहाँ पर मिले हैं और वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, हर चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। और ये ऊपर की आखिरी गैलरी थी और अभी समय हो चुका था नीचे की तरफ जाने का। तो अभी हम आ गए थे हम नीचे बेसमेंट की तरफ। और जैसे हम नीचे आए तो सबसे पहले हम आ गए यहाँ पर ये सेंटर एरिया में जहाँ पर ये दो विशाल डायनासोर फुल लाइफ साइज़ में रखकर बनाए गए हैं। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि आप डायनासोर के साथ में खड़े हो। और ऊपर की तरफ जो कैनोपी बनी है उसको देख के ऐसे ही लगता है जैसे कि आप जुरासिक पार्क में हो। और अभी यहाँ नीचे की तरफ दो गैलरीज है, तो चलिए पहले वो दो गैलरीज देखते हैं जिसमें से सबसे पहली गैलरी है एक्सटिंक्शन थियरी। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक्सटिंक्शन मतलब यहाँ पे उस इवेंट की बात की गई है जहाँ पर इस डायनासोर का अंत हुआ जिसे केटी एक्सटिंक्शन कहा जाता है, जिसमें जो बड़ा सा कॉमेट था वो पृथ्वी पर आके टकराया था और डायनासोर जैसे विशाल महाकाय जीव की पूरे के पूरी प्रजाति समाप्त हो गई थी। तो वो एक बहुत ही मतलब भयानक इवेंट होगा जिसको यहाँ पर ये चित्र के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है कि उनकी क्या हालत हुई होगी। और वहीं बाजू में स्थित है डायनासोर्स फॉसिल्स। तो ये जो वो जगह है जहाँ पर रायोली के फॉसिल पार्क में जहाँ पर अभी हम गए थे जहाँ से जो फॉसिल प्राप्त हुए थे उनको यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के डायनासोर्स के हड्डियों को वो कौन सा डायनासोर था और उनके कौन से भाग की हड्डियाँ हैं वो नाम के साथ में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी मतलब खोज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि ये जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम ही ये होता है कि ये पूरा रिसर्च करके पता करते कि ये उनके कौन से डायनासोर है, उनकी कौन सी हड्डी होगी। और साथ ही साथ बीच में टेबल है जहाँ पर ये जो डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये विश्व की सबसे तीसरे नंबर की बड़ी हैचरी है जहाँ पर डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए थे। और वहीं अभी हम बाहर आ गए थे और अभी जाना था सामने की तरफ जहाँ पे बच्चों के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया है जिसका नाम है डाइनो फन। तो चलिए चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हर यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे कार्टूनिक लैंग्वेज में और कार्टून बना के डायनासोर्स के बारे में जानकारी दी है। और यहाँ पे दो स्क्रीन्स भी थी लेकिन फ़िलहाल अभी वो बंद थी। और यहाँ पे बीच में इस तरह से ये डायनासोर को कैसे फॉसिल्स में मिलते हैं वहाँ पे एक मॉडल बना के दर्शाया गया है। वहाँ से ऊपर जाते ही एक सेक्शन है जहाँ पर आपको एक 3D फिल्म दिखाई जाती है। इसका आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना होता, ये आपकी मेन टिकट में इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पर राजासोरस से संबंधित एक ऑडियो विजुअल फिल्म दिखाई जाती है जिसको आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, तो आप भी उसके कुछ क्षणों का आनंद उठाइए। महाकाय सरीसृप प्रजाति का कारण हो रहा है।
उत्क्रांति उछलती कूद की आगड़ बढ़ती प्रकृति साथ। 3D शो देख के जैसे हम बाहर आए तो वहाँ से एक रास्ता पीछे की तरफ इस म्यूजियम के फेज 2 की तरफ जाता है, जहाँ पर बीचों बीच इस तरह से ये राजा सौरस का 3D लाइव इंटरएक्टिव स्टैचू रखा हुआ है। इसमें से आपको बिल्कुल डायनासोर जैसा आवाज़ आएगा और साथ में इसके हाथ आंखें मुंह इसी तरह से हिलता है जैसे सच में कोई डायनासोर खड़ा हो। क्यों दोस्तों, लग रहा है ना पूरा जुरासिक पार्क जैसा एक्सपीरियंस। और दूसरी बात, ये जो म्यूजियम है ये पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको गर्मी के दिनों में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस फेज 2 का इनॉग्रेशन अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों किया गया है, और यहाँ पर भी इस तरह से ये डायनासोर्स के स्केलेटन्स को रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हम फुल ऑन जुरासिक पार्क का एक्सपीरियंस ले रहे थे, मतलब इतने सारे सरप्राइजेस हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। यकीन मानिए दोस्तों, इंडिया में मैंने ऐसे डायनासोर पार्क की कल्पना भी नहीं की थी। इतना स्टेट ऑफ द आर्ट ये डायनासोर पार्क बना हुआ है कि जिसको देख के हमें काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था। और उसमें चेरी ऑन द केक अगर कहा जाए तो यहाँ का ये इंटरएक्टिव सेक्शन वर्चुअल रियलिटी से हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम खुद डायनासोर के साथ में उनकी दुनिया में घूम रहे हो। आने के टाइम ही हमने दोस्तों इसका टिकट खरीद लिया था, तो आप भी याद से VR का और 5D का टिकट खरीद लीजिएगा, क्योंकि 50 रुपीज़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है और उसके सामने जो एक्सपीरियंस मिलता है वो अपने आप ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो हमें भी यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। अराउंड 5 मिनट्स का वीडियो था, उसको देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पर सामने और एक गैलरी आती है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर फॉसिल पार्क में आए और फॉसिलाइजेशन कैसे होता है ये ना जाने तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा इंटरएक्टिव सेक्शन बनाया गया है जिसमें आप जान सकते हो कि ये फॉसिलाइजेशन कैसे होता है। और उसके अलावा हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स की विस्तृत जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, अगर फॉसिल की बात हो रही है और हम लांगजा की बात ना करें तो कैसे चलेगा, क्योंकि जब भी मैं अपनी स्पीति राइड पर गया था तो यहाँ के फॉसिल विलेज यानी कि लांगजा के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर किस तरह से फॉसिल्स पाए जाते थे। तो यदि आपने हमारा वो वीडियो ना देखा हो तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर ये और एक सेक्शन है जिसमें इस तरह से एक फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है कि कौन से पीरियड में कौन से फॉसिल्स मिलते थे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को ऐसे काफ़ी इंटरएक्टिव वे से बनाया गया है ताकि बच्चे से लेकर बड़ों तक इसको हर किसी को इसमें मज़ा आए। और वहीं उसी के आगे और एक सेक्शन है जिसका नाम है पैलेंटोलॉजिस्ट अरीना। यहाँ पर आपको पैलेंटोलॉजिस्ट का जो काम है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है कि किस तरह से खुदाई होती है, फिर एक एक करके फॉसिल्स के सैंपल को धीरे से निकाला जाता है और उन्हें किस तरह से ट्रांसपोर्ट करके लैब तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे इवेंट को यहाँ पर वीडियो फिल्म में भी दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा देख सकते हो। और उसके आगे आता है पैलेंटोलॉजी लैब। पैलेंटोलॉजी लैब में दोस्तों आपको यहाँ पर ये पूरा एक स्टेप दिखाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आने वाले फॉसिल्स का एनालिसिस होता है और यहाँ पर लैब में किस तरह से साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं और इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। रियल साइज ह्यूमन स्टैचूज को रख के लैब किस तरह से काम करती है वो यहाँ पर बताया गया है, ताकि जिस किसी को इसकी बिल्कुल जानकारी ना हो वो भी ये प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से समझ जाए। और जैसे ही आप उस लैब से बाहर आते हो तो बाहर निकलते ही आपको ये यहाँ पर होलोग्राफिक एक फिल्म दिखाई जाती है जिसमें दो डायनासोर यहाँ पे लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं, तो ये देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। होलोग्राम की फिल्म देख के हमें काफ़ी मज़ा आया था। और जैसे ही हम बाहर आए तो अभी एक रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़े तो हमने एक बात यहाँ पर नोटिस की कि यहाँ पर मोस्टली हर जगह पर इस तरह से रैंप्स बने हुए हैं ताकि जो भी हमारे दिव्यांगजन है, जो हैंडीकैप्स है, उनको यहाँ पर लाने में और घुमाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये बात का आप ध्यान रख सकते हो कि पार्किंग से लेके यहाँ तक पूरे म्यूजियम में घूमने के लिए आपको हर जगह पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अभी वहीं पे हम आ गए यहाँ पे आगे और एक सेक्शन में जिसका नाम था क्रिटेशियस जंगल। तो यहाँ पर इस तरह से क्रिटेशियस समय का जो एक जंगल है उसको यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और ये भी दोस्तों एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही हम अंदर आए तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हम सचमुच जंगल में आ गए हो। यहाँ पर हर तरफ आपको जंगल की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी और साथ ही साथ में यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे कि आपके चारों ओर, यहाँ तक कि आपके ज़मीन पर भी यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा था जिसमें लग रहा था जैसे कि आप सांप आपके नीचे चल रहा है।
तो दोस्तों ये भी एक अपने आप में यूनिक एक्सपीरियंस था और हमें यहाँ पर भी काफ़ी मज़ा आया। और वहीं से बाहर आते ही और एक गैलरी है जिसका नाम है क्रेस्टेन थ्रॉक्स ऑफ गोंडवाना। जी हाँ दोस्तों, क्रेस्टेन थ्रॉक्स ऑफ गोंडवाना का मतलब होता है कि गोंडवाना का शिखर एवं पतन। और गोंडवाना मैं आपको बता दूँ, वो एक समय का सुपर कॉन्टिनेंट था जहाँ पर ये सारे जीव रहा करते थे। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपको इस तरह से बड़े से स्क्रीन पर दर्शाया जाता है, तो उसको आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो जैसे ही हम इस थिएटर से बाहर आ गए तो हमारे सामने था इस म्यूज़ियम का सबसे मुख्य आकर्षण यानी कि 5D थिएटर, जिसका हमें कब से इंतज़ार था। और इसका नाम है अ रिप रोरिंग राइड। तो इसका नाम सुन के ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बहुत ही खतरनाक राइड होने वाली है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें मज़ा भी बहुत आएगा। और यहाँ पर 5D का असली आनंद उठाने के लिए आपको यहाँ पर ये स्पेशली चेयर्स बनाई गई है जिस पर आपको बैठ जाना होता है। और ये जो चेयर्स है ये राइड के अकॉर्डिंग आपके साथ में मूव होती है और आपके चारों तरफ हवा के नोजल्स लगे हुए हैं जहाँ पे बार बार आपके ऊपर हवा का स्प्रे होता है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आप डायनासोर के बगल में हो। तो आप भी हमारे साथ में एक्सपीरियंस कीजिए इस राइड का। और यहाँ पर जो वीडियो दिखाया जाता है उसका नाम है वॉकिंग विद डायनासोर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड के दौरान हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और ये काफ़ी अद्भुत अनुभव था हमारे लिए, क्योंकि इसे देखने में इतना मज़ा आ रहा था और साथ ही साथ जो यहाँ के स्पेशल इफ़ेक्ट्स है जिसमें हवा आ रही थी, कुर्सी हिल रही थी, तो उसके साथ में इस राइड में और भी मज़ा आ रहा था। और वहीं कुछ ही देर में ये राइड ख़त्म हो गई और ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी तो शुरू हुई थी और अभी ख़त्म क्यों हो गई, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, और अभी समय हो गया था यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि ये जो थिएटर है यहाँ का आखिरी आकर्षण है। और जैसे आप बाहर आते हो तो एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो। और बाहर निकलने के समय यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप भी आता है जिसका नाम है डाइनो शॉप। तो यहाँ से आप अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए चाहो तो कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स खरीद सकते हो। यहाँ पर टी शर्ट्स, मग्स, डाइनासोर के मॉडल्स और फोटो फ्रेम्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। और दरअसल अभी हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हम जैसे यहाँ से बाहर निकले तो हमने देखा तो यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन भी है, तो हमने जाके वहाँ पे पता किया कि भाई कुछ अच्छा खाने को मिल रहा हो तो हम थोड़ा सा खा ले। लेकिन कुछ यहाँ पे अभी कुछ खास था नहीं खाने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो गया था। तो यहाँ पे पूछा तो खाली मेथी के भजिए थे, तो हमें तला हुआ नहीं खाना था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आइसक्रीम मिल रहा था तो हमने वही खा लिया। और अभी आइसक्रीम खा के अभी समय हो गया था यहाँ से बाहर निकलने का। तो फाइनली दोस्तों आज का डायनासोर म्यूज़ियम का वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और अभी यहाँ से दरअसल हम जा रहे हैं एक लोकेशन पे जिसका नाम है टोडिया रॉक। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगह है ये माही रिवर के किनारे पर स्थित है
और यहाँ पे काफ़ी सारे रॉक फॉर्मेशंस है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने आने के टाइम बताया था कि हम लोग आज फैमिली कैंपिंग का भी प्लान कर रहे हैं, तो रात को हम यहाँ पे कहीं पे कैंपिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए अभी तक लोकेशन फाइनल नहीं किया है और उसी के सर्च में हम जा रहे हैं टोडिया रॉक में। तो हमारे अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यदि आप फैमिली कैंपिंग करना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर दोस्तों। धन्यवाद।